नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्याशंकर राय और हमारे साथ हैं आज राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के एक नए प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी। और इनको एक तरह से आरएनडी की कमान यूपी में सौंपी गई है। जिस तरह की परिस्थितियां यूपी में आरएनडी के लिए हैं, अभी विधानसभा चुनाव के दौरान आरएनडी ने अच्छा प्रदर्शन पश्चिमी यूपी में किया था, इनके सामने चुनौती क्या रहेगी, क्या चुनौतियां हैं सर, क्या चुनौतियां रहेंगी आपके सामने? देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल इससे पहले भी विभिन्न नामों से जाना पहचाना गया था। चौधरी चरण सिंह जी की एक लंबी विरासत नॉर्थ इंडिया में थी, उत्तर प्रदेश में थी। उस विरासत को कैसे वापस लाया जाए, यह एक चुनौती है मेरे लिए। और भारतीय राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो किसान ओरिएंटेड राजनीति से अलग हटती जा रही है, मजदूर और किसान का इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो जिस तरह का समायोजन होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा, राजनीति धन से संचालित होने लगी। तो लोकदल का मुख्य लक्ष्य होगा कि राजनीति को हम मजदूर और किसान आधारित रास्ते पर ले चले। अभी जो माहौल विधानसभा चुनाव के दौरान था, विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ आरएनडी का गठबंधन हुआ था, अब उस गठबंधन को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने एक तरह से राज्यसभा की सीट दी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जयंत चौधरी जी को, तो क्या इसका आने वाले चुनाव पर इस गठबंधन को क्या आप लोग और मतलब एक तरह से जो एक अखिलेश यादव ने पहल की है गठबंधन को 2024 तक ले जाने की, इसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाया है और चौधरी जयंत सिंह जी को राष्ट्रीय लोकदल के हमारे अध्यक्ष हैं, उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, उनको चुनाव में लड़ाया है, उसका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे एक किसान की आवाज राज्यसभा में भी गूंजेगी और लोकदल का ये प्रयास सदैव से रहता है कि एक मजबूत विकल्प, मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में बने। पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन मजबूत बने और गठबंधन मिलकर के लड़े, इसके लिए चौधरी जयंत सिंह ने बहुत सी कुर्बानियां दी, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके बहुत से ऐसे नेता थे जिनको टिकट मिलना चाहिए था, वो भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला किसी कारणवश, तब भी उन्होंने अपने गठबंधन को बनाए रखा। तो आगे भी उनकी ये कोशिश है, कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी एक प्रतिपक्ष का एक मजबूत गठबंधन तैयार हो, और लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। लोकतंत्र की सफलता तभी है जब पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों बराबर हो। तो ये चौधरी जयंत सिंह जी ने भी कल ही अभी कहा है कि हम चाहेंगे कि एक यह मोर्चा और मजबूत आकार में और मजबूती से हम इस देश के लोकतंत्र को एक सही दिशा में ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। साहब, अक्सर ये देखा जा रहा है चुनाव के दौरान कि जो आरएनडी का प्रभाव रहता है वो ज्यादातर पश्चिमी यूपी में ही रहता है। आप उसी पूर्वांचल से आते हैं और जो आपका इलाका है वहां आरएनडी की पहुंच एक तरह से नाम आ चुकी है, तो इस चीज को आप मतलब संगठन खड़ा करने के लिए पूर्वांचल में आरएनडी को मजबूती प्रदान करने के लिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी उन्होंने डाली है, मुझे ये बहुत बड़ा काम सौंपा है कि जो आरएनडी की एक पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मानी जाती है वो पहचान पूरे उत्तर प्रदेश की बन जाए, इसके लिए मुझ पर जिम्मेदारी दिया और मैं इस जिम्मेदारी को इसी भाव से स्वीकार किया हूं, इस चुनौती को मैं स्वीकार किया हूं। मेरे लिए लोकदल को पूर्वी उत्तर प्रदेश में खड़ा करना एक जहां चुनौती है वहीं से मैं एक अवसर के रूप में भी लिया हूं, और इस चुनौती को अवसर के रूप में मैं बदल करके एक मजबूत संगठन खड़ा कर दूंगा अपने कार्यकाल में। आते हैं, अभी आपको संज्ञान में होगा जो बनारस में ज्ञान माफी का मामला था, इसको लेकर बीजेपी की तरह से पर्दे के पीछे से जो उनका एजेंडा चल रहा है,
लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारा जो कार्रवाई है वो बीजेपी की तरफ से है या इसमें जो कार्रवाई हो रही है उसका भी आप लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए, आज देश में सबसे बड़ा आवश्यकता है देश में किसानों की दुर्दशा हो रही है, उन्हें उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा, बेरोजगार नौजवान आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। अभी कई जगह अखबारों में छप रहा है कि बेरोजगारी से तंग आकर के लोग फांसी का फंदा चुन ले रहे हैं, परिवार सहित जहर खा ले रहे हैं। आज पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा है, हम तो चाहेंगे कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और कैसे हम लोगों को रोजगार मुहैया कराएं, कैसे महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करें और कैसे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए सरकार को भी और राजनीतिक दलों को भी। इससे ज्यादा मैं पुराने मुद्दे उठाने का कोई मतलब नहीं करते। योगी सरकार ने बजट पेश किया है, योगी सरकार का बजट 6 लाख करोड़ से ज्यादा का है, दावा है कि आपको नौकरियां मिलेंगी, आपको क्या लग रहा है बजट क्या आम जनता के लायक है? बजट में जो वायदे उन्होंने किया था सरकार के विधानसभा चुनाव में भी, उसके लागू करने की दिशा में कोई पहल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। किसानों की आय दूनी करेंगे, 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर देंगे, उस दिशा में अभी तक तो कुछ प्रयास नहीं हुआ है। सरकार इस दिशा में प्रयास करे, बजट में बहुत सी बातों का उल्लेख होता है लेकिन बजट में कितना उसका अनुपालन होता है ये 6 महीने बाद 3 महीने बाद दिखाई देने लगता है। पिछले कार्यकाल में भी बहुत सारी घोषणाएं की गई, बहुत से निवेश कराए गए, आमंत्रित किए गए, सेमिनार कराए गए कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े पूरे हिंदुस्तान से और पूरे देश दुनिया से उद्योगपति आएंगे और अपना कारोबार लगाएंगे। और अभी 3 तारीख को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हो रहा है, उसमें पीएम का अनुमान है कि 75,000 करोड़ का डिजिटली जो परियोजनाएं हैं उसका मतलब शिलान्यास होना है, इसको भी आप मतलब किस तरह से देखिए? ये एक केवल स्टंट बन के रह जा रहा है, केवल घोषणाएं बन के रह जा रही है और एक लोक लुभावन कार्यक्रम बन के रह जा रहा है। इसका जमीन पर उतारने की कोई चीज नहीं हो रही है, न कहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को उस दिशा में व्यक्त करना चाहिए कि रोजगार कैसे मुहैया करें। केवल घोषणाएं कर देना और कार्यक्रम में इवेंट खड़ा कर देना, इससे तो कोई भलाई नहीं होने वाला है। सरकार को समीक्षा करनी चाहिए कि इसके पहले जो इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ था, देश भर के और दुनिया के बड़े बड़े जगहों से दुनिया के उद्योगपति आए और करोड़ों रुपए पानी की तरफ से बहाए गए, खर्च किए गए, आखिर उसका कितना लाभ मिला उत्तर प्रदेश, इसको बताना चाहिए। अभी चुनाव के दौरान बीजेपी ने कहा था कि नयन चौधरी जो है बीजेपी के जो अगले सरकारों के संपर्क में, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना है, गलत घर चुना है। उनको एक तरह से उनका संकेत था कि एक तरह से उनको बीजेपी में होना चाहिए था, इसको आप लोगों ने? वो उनकी व्यक्तिगत सोच थी, इस पर मुझे क्या कहना। ये थे हमारे साथ आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी, जिनका ये कहना है कि सरकार घोषणाएं तो बहुत कर रही है लेकिन धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। मैं विद्यार्थी राय बन गया।